आप BA, BCom, DSE और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ट असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। घर, ऑफिस, स्कूल, हॉस्पिटल की कंप्लीट सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन के लिए लगवाएं शाहान विजन सॉल्यूशंस के CCTV कैमरास, वो भी कम दाम में। आज ही कॉन्टैक्ट करें 7857934410। महाराजगंज के पूर्व विधायक और प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर देवरंजन सिंह एवं उनकी पत्नी उर्मिला ठाकुर के क्लिक परिसर में अब एक साथ कई बेहतरीन डॉक्टर लोगों की सेवा में रहेंगे। इसकी जानकारी पूर्व विधायक डॉक्टर देवरंजन सिंह ने शहर के अस्पताल रोड स्थित अपने क्लिनिक पर एक प्रेस वार्ता कर दी। पूर्व विधायक ने बताया कि एक ही जगह पर सिवान के कई विभागों के प्रसिद्ध चिकित्सकों को इलाज के लिए एकत्रित किया गया है, ताकि लोगों को इलाज के लिए इधर उधर नहीं भटकना पड़े। इस परिसर में स्त्री रोग विशेषज्ञ, जिसमें डॉक्टर उर्मिला ठाकुर एवं डॉक्टर लाया पांडे महिलाओं का इलाज करेंगी, वही जनरल मेडिसिन के लिए डॉक्टर संजीव पांडे, जनरल सर्जरी के लिए डॉक्टर चैतन्य सिन्हा, डॉक्टर प्रज्ञा शाह एवं हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रशांत शुक्ला एवं डॉक्टर पंकज कुमार उपलब्ध रहेंगे। पूर्व विधायक ने बताया कि इसका मुख्य कारण यह है कि जब लोग दूर गांव से सिवान में इलाज कराने के लिए आते हैं, तो उन्हें एक इलाज के बाद दूसरी अगर कोई बीमारी है तो उन्हें दर दर भटकना पड़ता है, जिसमें पूरा दिन बर्बाद हो जाता है। इसी को देखते हुए उन लोगों ने निर्णय लिया है कि सिवान के युवा और ऊर्जावान डॉक्टरों की टीम बनाकर एक ही जगह पर सभी का इलाज किया जाएगा। हम लोगों ने पिछले कई वर्षों से ये नोटिस किया था कि जब भी सिवान में किसी की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, यानी कोई सीरियस पेशेंट आ जाते हैं, तो उनको यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ दौड़ना पड़ता है। उनको कहीं एक ही जगह पर विभिन्न प्रकार के विशेषज्ञों की सुविधा नहीं मिलती है, और उसका नतीजा यह होता है कि जिसको अंग्रेजी में कहते हैं फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, एक विशेषज्ञ से दूसरे विशेषज्ञ, एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच दौड़ने में ही उनका कीमती समय बर्बाद होता है, ऊर्जा बर्बाद होती है, और अंत में उन्हें सुविधा का लाभ नहीं मिल पाने के चलते पटना या गोरखपुर रेफर होना पड़ता है। और आप जानते हैं कि पटना और गोरखपुर जाने के दौरान ही कितने लोगों की स्थिति बहुत ही गंभीर हो जाती है। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं सिवान में नौजवान डॉक्टरों की, जो हाईली क्वालिफाइड हैं, जो तरह तरह की विशेषज्ञता लेकर सिवान में आए हुए हैं, ऐसे लोगों की सुविधा लोगों को प्रदान की जाए, ताकि एक छत के नीचे एक स्थान पर किसी भी मरीज को विभिन्न विशेषज्ञों की सुविधा मिल सके। इसके लिए मैंने कुछ युवा डॉक्टरों से बातचीत की है, और मैं हर्ष के साथ, संतोष के साथ यह कह सकता हूं कि आज से इस प्रकार की सुविधा का प्रारंभ हमारे यहां किया जा रहा है। आप अब इस संबंध में विशेष जानकारी, जो यंग डॉक्टर्स आज यहाँ आए हुए हैं, विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ हैं, उन लोगों से आप ले सकते हैं। वो लोग स्वयं अपने परिचय में बताएंगे आपको। आप पर आप लोगों ने सर्जन जनरल सर्जरी में प्रायः आप सभी लोगों ने पुरुष डॉक्टर्स देखे होंगे, लेकिन हमारी टीम में एक सदस्य हैं जो महिला हैं, लेकिन जनरल सर्जन हैं। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि महिलाओं को जो जनरल सर्जरी संबंधी काम है वह कराने में ज़्यादा सुविधा और ज़्यादा आसानी होगी। प्लस जनरल सर्जरी में जहाँ पर जिसको कहते हैं बटन होल से सर्जरी करना, मिनिमल एक्सेस सर्जरी करना, उसके लिए भी हमारे पास एक विशेषज्ञ डॉक्टर उपलब्ध है। हड्डी रोग के लिए दो डॉक्टर उपलब्ध हैं, गायनी के लिए दो डॉक्टर उपलब्ध हैं, और फिजिशियन में भी दो डॉक्टर यहां पर उपलब्ध हैं, जिसमें से एक डॉक्टर संजीव पांडे हैं और भी हैं। जी सर, बताइए। मैं डॉक्टर प्रशांत शुक्ला, ऑर्थोपेडिक सर्जन, हड्डी रोग विशेषज्ञ। सर, आप हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं, सिवान में ऑलरेडी काफ़ी हड्डी के डॉक्टर हैं, तो ऐसे में आप नया लेके क्या है लोगों के लिए? हमारे पास ये एक सोच है, जैसा कि डॉक्टर साहब ने आप लोगों को बताया कि केंद्रीकृत और एकीकृत टीम वर्क, एक छत के नीचे एक पेशेंट में यदि कई विभिन्न रोग या एक रोग के कई स्पेशलिस्ट की जरूरत पड़े तो मरीज को ना भटकना पड़े, सभी लोग, यंग लोग एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यहाँ बनाने के लिए प्रयासरत है। इसमें सभी विभाग के और भी कई डॉक्टर लोग हम लोग के साथ जुड़े हैं डॉक्टर साहब के टीम के अंदर। कुछ लोग का नाम बता दीजिए, कौन कौन है? डॉक्टर लया पांडे, गायनेकोलॉजिस्ट, एमएस गायनेकोलॉजिस्ट, डॉक्टर प्रज्ञा जनरल सर्जन, डॉक्टर पंकज ऑर्थोपेडिक सर्जन, दूरबीन से सर्जरी में विशेषज्ञ हैं ये, डॉक्टर चैतन्य ये भी जनरल सर्जन है और दूरबीन से सभी किस्म के रोगों का इलाज करते हैं, सभी ऑपरेशन दूरबीन से, जटिलता रोग का इलाज दूरबीन से ही करते हैं, इनकी विशेष
जो विशेषज्ञ हैं ये दूरबीन के सर्जरी में ही माहिर थी इन्होंने अपने दिल्ली से ट्रेनिंग की। डॉक्टर संजीव पांडे शहर के सबसे जाने माने चिकित्सक जनरल फिजिशियन, अब आप स्वयं बाकी लोगों से एक बार गुरु बोल लीजिए। ये कोशिश है कि सभी विभागों के सभी जो अलग अलग जो डेजिग्नेशन है ऑर्थोपेडिक्स यानी कि हड्डी, जनरल फिजिशियन, जनरल सर्जरी और गायनी के दो दो विशेषज्ञ इस सेंटर पर रहें ताकि उनकी अवेलेबिलिटी 2400 घंटे 12 महीने रहे। यदि कोई अपने किसी पर्सनल काम से कहीं आए जाए तब भी एक डॉक्टर देख रेख के लिए समुचित व्यवस्था यहाँ रहे। ये हमारा प्रथम प्रयास, एक टीम वर्क और दूसरा सबकी सुलभ 12 महीने। इसे शुरुआत हो चुकी है? जी आज से शुरू हो चुकी है। महिला जनरल सर्जन है। कई बार देखा गया है कि सी के डिग्री के टाउन में जैसे सिवान जैसे शहरों में महिलाएं अपने पाइल्स, ब्रेस्ट कैंसर या ब्रेस्ट के और भी छोटे मोटे विशेष जो जब रोग हैं उनको दिखाने में पुरुष सर्जन से शर्म लिहाज करती हैं, तो हमारे पास महिला जनरल सर्जन भी हैं जो कि अपने विशेषज्ञ में पारंगत हैं और बाहर से इन्होंने ट्रेनिंग। क्या नाम है उनका? डॉक्टर प्रज्ञा शाह, जनरल सर्जन।